एक तरफ जहां आदिवासी व दलितों के लिए भाजपा सरकार कई योजनाएं चलाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के सरपंच और जनप्रतिनिधि पर आदिवासी महिला व एक अन्य महिला के मकान तोड़ने का मामला सामने आया है। इंदौर जिला की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीता डांगरे, कांग्रेस नेता हर्ष डांगरे ने इंदौर प्रेस क्लब में आज एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि महू तहसील के अंतर्गत ग्राम सिमरौल की रहने वाली आदिवासी महिला जमकू भाई और एक अन्य महिला हीरा बाई के मकान को गांव के सरपंच कौशल्या बाई के पति लेखराज और जनप्रतिनिधि प्रमिला गवली के पति, आपको बता दें प्रमिला गवली के पति प्रदीप गवली ने बलपूर्वक ध्वस्त करवा दिया। दोनों पीड़ित महिलाएं अब अपने रिश्तेदारों के यहां रह रही हैं। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वह करीब 20 वर्षों से इस गांव में रह रही हैं और उन्हें सरकार ने एक योजना में ये प्लॉट दिए थे जहां झोपड़ी बनाकर वह अपना जीवन बसर कर रही थी, लेकिन दबंग भाजपा नेताओं द्वारा उनके मकान ध्वस्त कर दिए गए। इस मामले में गांव के पूर्व सरपंच दिनेश सलवाड़ी की माने तो क्षेत्र के विधायक और मंत्री उषा ठाकुर भी इस मामले में मौन हैं। उन्होंने सरपंच पर भ्रष्टाचार की कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाओं को बिना कोई नोटिस और सूचना दिए दलबल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके मकान तोड़वा दिए और पीड़ित महिलाओं को बेघर कर दिया। नगर निगम का हमला मौजूद है, अधिकारी का कहना है कि नगर निगम से अनुमति ले चुके हैं। आप चूंकि पार्षद पत्नी हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे करीब करीब 60 से 70 हज़ार बड़े बड़े 100-100 साल पुराने झाड़ थे, जिसमें चंदन के, बिलपत्र के, नीम के, पीपल के, जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऐसे इन झाड़ों को यहाँ पे बलि चढ़ा दिया गया है। किसी बाहुबली के कहने में, यहाँ के कोई बाहुबली ने ज़मीन अलाट करा ली है, उसके कहने में ये पूरे झाड़ यहाँ पर काटे जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह कि यहाँ पर SDM साहब, तहसीलदार साहब और पूरा नगर निगम का हमला खड़ा होकर ये झाड़ कटा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यानी किसी ने यदि ज़मीन अलाट करा ली तो वो उसकी प्राइवेट हो गई है, वो उसका जो भी करे, लेकिन नगर निगम और SDM साहब को इतनी क्या है ना, है तो वो मची कि सुबह 7 बजे से आके आज ये झाड़ यहाँ पे इतने झाड़ों की यहाँ बलि दे दी है, जबकि पूरा प्रदेश आज हरियाली की तरफ बढ़ रहा है। पूरा हमारा हम जगह जगह वृक्षारोपण कर रहे हैं और आज बारिश के मौसम में, ऐसे मौसम में इतने बड़े बड़े झाड़ों की इन्होंने बलि दे दी, इसका क्या कारण है? खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार आदरणीय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी रोज़ एक वृक्ष लगाते हैं, वो वृक्ष बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अभी आप ही ने देखा होगा कि एक रोड के लिए उन्होंने, एक वृक्ष के लिए उन्होंने रोड टर्न करा दी, मतलब रोड घुमवा दी उन्होंने कि रोड इधर ये वृक्ष बच जाए, रोड घूम के जाए। तो क्या अधिकारियों की शिकायत की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? मैं बिल्कुल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हम जब भी आएंगे तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इतने बड़े बड़े झाड़ आदर अधिकारियों की सरपरस्ती में यहाँ कट रहे हैं, किसके कहने पे कट रहे हैं? किस कद्दावर नेता ने जमीन ले ली, कुछ जानकारी? कद्दावर नेता आपको ही मालूम है, इनसे पूछिए आप किसने लिए, मुझे तो मालूम पड़ा अभी कि किसी कद्दावर नेता, विधानसभा एक का ही है, उसी ने ली है जमीन। आपका नाम? मनोज मिश्रा, पूर्व पार्षद। बड़े बड़े पेड़ थे, किस तरह का ये मामला है और किस तरह से जांच पड़ताल की जाएगी? नगर निगम ने विधिवत अनुमति लेके वृक्ष काटे हैं और वो प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत काटे हैं। किन कारणों के चलते सर पेड़ काटे गए? क्या सरकारी, अभी तक ये सरकारी भूमि थी, क्या किसी को बेच दी गई या क्या है पूरा मामला? सरकारी भूमि रही है और इसको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निवर्तन किया है, उसके अनुसार निवर्तन किसको दिया? और जो पेड़ काटने की अनुमति है, कि यदि किसी शिकायत करता है, यदि कोई पेड़ काटने के लिए पूरी प्रोसेस रहती है, लेकिन उसके वहाँ पेड़ नहीं कटते, लेकिन यहाँ पूरा हमला लग गया, क्या कारण रहे, क्या? विधिवत अनुमति नगर निगम से प्राप्त की है, नगर निगम के कर्मचारी द्वारा, और वही इसको काट रहे हैं। आपका नाम और डिजाइन? SDM विनोद राठौर। चकनाचूर है। आज अगर हम हरियाली की बात करें तो अगर वाकई में कोई किसी निर्माण में बाधा है पेड़ पौधे, तो उनको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। एक पेड़ को लगाने से लेके बड़ा होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन अगर काटने की बात करेंगे तो मिनटों या चंद घंटों में पेड़ धराशायी हो जाएगा। जिस तरीके से वातावरण असंतुलित हो रहा है, जिस तरह से जलवायु प्रदूषण हो रहा है, बहुत आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। हम पेड़ों को संरक्षित कैसे कर सकें, जहाँ पेड़ काटने की बारी आए तो उनको ट्रांसप्लांट कैसे कर सकें? लेकिन चूंकि इंदौर से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में अव्यवस्थित सरकार है, इनको पता ही नहीं कि किस तरीके से काम करना है, क्या करना है। यही कारण है कि इंदौर में 2 इंची पानी में पूरा इंदौर जलमग्न हो गया।
और अब जब भी इंदौर शहर में बरसात होगी कांग्रेस पार्टी पूरी मैदान में होगी और इंदौर शहर की जनता को बताएगी सब जगह गिरते पानी में। क्या ये जो पेड़ों की कटिंग है इसका भी विरोध कांग्रेस में 7% इसका विरोध दर्ज हम कमिश्नर मैडम के सामने कराएंगे और उसके इतना ताकतवर तरीके से विरोध करेंगे कि निकट भविष्य में किसी पेड़ की कटाई ना हो, वो ट्रांसप्लांट हो और उनको व्यवस्थित जगह विस्थापित किया जाए।